Hello, Myself Dr. Vivek Mohan Agrawal, Assistant Professor, Department of Geology, Government MMR, P.G. College, Champa. Today's our topic is Pest Control. How we can control pest? In this topic we will learn about the control of pest and how to manage pest. What is pest? A pest is any living organism which competes with human, domestic animals, और डिजायरेबल प्लांट फॉर फूड और वाटर साइमल्ट साइमल्टेनियसली दे स्प्रेड डिसीजेज टू मैनकाइंड एंड हार्म द एनवायरनमेंट। कीट हानिकारक कीट ऐसे जीवित प्राणी होते हैं जो कि मनुष्यों एवं उनके द्वारा क्रिएट की जा रही इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं यह केवल नुकसान ही नहीं पहुंचाते हैं साथ ही मनुष्यों द्वारा उगाए जाने वाली जो क्रॉप्स हैं उनमें कई प्रकार की डिसीज़ भी काज करते हैं साथ ही ये हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे गाय भैंस बकरी आदि उनको भी कई तरह की बीमारियां काज करते हैं वाट इज बेस्ट कंट्रोल कीट नियंत्रण एक ऐसा प्रबंधन है जिसमें हानिकारक कीटों के द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाने की दर को एक निश्चित प्रतिशत तक कम किया जाता है इसमें फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है और कीटों के द्वारा होने वाली बीमारियों से न केवल फसलों को बल्कि मनुष्यों एवं जानवरों जो हमारे पशुधन हैं उनको बचाया जाता है इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री and its economy mainly depends on the agricultural sector so to boost up of our economy we should minimize the loss of our crops by these notorious pests types of pests pests may include insects arthropod microbial organisms beets, Mollusk, a spider, and any plant growing where they are unwanted, that is, weed. Pest may be defined as regular pest when pest frequently visit on crops and have a close association with the plant. नॉन एच रेगुलर पेस्ट इसका एग्जाम्पल है राइस स्टैम बुरर दूसरे टाइप के जो पेस्ट हैं उन्हें हम ओकेजनल पेस्ट कहते हैं यह कभी कभी क्रॉप पर जाते हैं लेकिन इनका एसोसिएशन बहुत ज़्यादा क्रॉप के साथ क्लोज नहीं होता है इसका एग्जाम्पल है मैंगो स्टेम बोरर थर्ड है सीजनल पेस्ट ये एक पर्टिकुलर सीजन में एक विशेष मौसम के समय क्रॉप पर जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं जैसे मैंगो हॉपर्स फोर्थ एज परसिस्टेंट पेस्ट ये हमेशा क्रॉप के साथ अटैच रहते हैं और इनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है जैसे मीली बग ऑन गुआवा। इस्पोरेडिक पेस्ट पेस्ट अकर्स इन आइसोलेटेड लोकेलेटीज ड्यूरिंग सम पीरियड इसका जो एग्जाम्पल है वो कोकोनट सिलेट कैटर पिलर है इस स्लाइड में मैंने पाँचों पेस्ट को पिक्चर के माध्यम से दिखाया है निश्चित ही इससे आप लाभान्वित होंगे टाइप्स ऑफ पेस्ट बेस्ड ऑन द डैमेज कॉज बाय देम इसके अनुसार पेस्ट को निम्नलिखित चार प्रकार में बांटा गया है फर्स्ट है डिफोलिएटर्स डिफोलिएटर्स ऐसे पेस्ट होते हैं जो केवल लीफ को खाते हैं जैसे टीक डिफोलिएटर सेकंड है स्क्लेटोनाइजर्स स्क्लेटोनाइजर्स लीफ को इस प्रकार से खाते हैं कि वे उसकी जो बेंस होती हैं जिनकी सराएँ होती हैं वो केवल हमको दिखाई देती हैं इस प्रकार से एक लीफ का स्क्लेटन सा रह जाता है जैसे लेपिटोप्टरन लार्बी इस तरह का जो है पेस्ट होता है थर्ड है सेपसर्स ये प्लांट जूस को सक करते हैं विद देयर माउथ पार्ट्स और इसके एग्जाम्पल हैं एफिड्स एंड मिलीबग बार्क बोरर्स बार्क बोरर्स जो होते हैं वो स्टेम के कैम्बियम और जो उनकी इनर बार्क होती है उसके ऊपर फीट करते हैं स्टेम में ये होल बना देते हैं इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो गुआवा में मिलने वाला इंडारवेला टेट्रोनिस है जो कि होल बनाकर कर स्टेम के अंदर चला जाता है और प्लांट्स को और ट्री को काफ़ी क्षति पहुंचाता है टाइप्स ऑफ द पेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट एसोसिएशन इसमें हमने पेस्ट को तीन भागों में डिवाइड किया है फर्स्ट है मोनोफेगस पेस्ट मोनोफेगस पेस्ट डिफाइंड एज दोज फीडिंग ऑन वन और मोर प्लांट स्पेसीज विद इन ए जीनस अर्थात यह मोनोफेगस पेस्ट जो होते हैं वो लिमिटेड प्लांट प्लान्टीसीज पर अटैक करते हैं और यह प्लान्ट सिंगल जीनस में आते हैं जैसे स्काइरोफेगा इंसर्टुलस पेडी स्टैम्बरर और बॉम्बेक्स मोराई जिसको हम सिल्क मौत के नाम से जानते हैं दूसरा जो पेस्ट है इस कैटेगरी में वो ओलिगोफेगस पेस्ट है ओलिगोफेगस पेस्ट की जो ड्वेलिंग्स होती हैं वो थोड़ा सा मोनोफेगस पेस्ट से ज़्यादा होती हैं यह एक ही फैमिली के एक ही फैमिली के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट स्पीसीज होती हैं उन पर ये अटैक करते हैं इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो पायरिस ब्रेसिकी है जिसको हम कैबिज बटरफ्लाई के नाम से भी जानते हैं थर्ड जो कैटेगरी है वो है पॉलीफेगस पेस्ट अर्थात यह है पॉलीफेगस पेस्ट ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि एक दो या दो से अधिक जो प्लांट फैमिली हैं उनके अंतर्गत आने वाले प्लांट्स को अटैक करते हैं जैसे इसके एग्जाम्पल हैं सिस्टो सरका और एमसेक्टा आइए बात करते हैं पेस्ट कंट्रोल करने के जो मेथड्स हैं उनके बारे में इसके अंतर्गत पांच मेथड्स हैं जो पेस्ट कंट्रोल करने में उपयोग किए जाते है। ये हैं ये पांचों मेथड हैं कल्चरल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल मैकेनिकल मेथड ऑफ़ पेस्ट कंट्रोल बायोलॉजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल एग्रीकल्चरल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल एंड केमिकल मेथड ऑफ़ पेस्ट कंट्रोल आइए अब इनको एक एक करके हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं कल्चरल मैथड्स की बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो हम बात करेंगे टेलेज की टेलेज में अगर हम बात करें तो इसमें मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल होता है किसी इक्विपमेंट uh, के द्वारा जो फार्मर्स uh, की या uh, फील्ड की जो सॉइल होती है उसको हम डिक करके ऊपर लाते हैं जिससे उसके अंदर जो छिपे हुए इंसेक्ट्स uh, होते हैं वो बाहर आ जाते हैं मतलब एक्सपोज हो जाते हैं और उनको फिर बर्ड्स या अन्य जीवों के द्वारा खा लिया जाता है दूसरा इसमें है क्लीन सीड्स हम लोगों को जो फार्मर्स या हम लोग जो सीड खरीदते हैं वो सर्टिफाइड सेलर्स के द्वारा ही खरीदने चाहिए जिससे वो डिसीज फ्री होते हैं और अच्छी हमको ग्रोथ दे सकते हैं तीसरा इसमें है इरिगेशन फार्मर्स के द्वारा समय समय पर अपने फील्ड्स को इरिगेट किया जाता है अर्थात उनके अंदर फील्ड में पानी छोड़ा जाता है पानी छोड़ने से जो सॉइल के अंदर जो कीट होते हैं हानिकारक कीट होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं और मर जाते हैं चौथा इसके अंतर्गत है फर्टिलाइजर्स जब प्लांट्स क्रॉप को ग्रो करते हैं या सीड्स को डालते हैं तो उस समय सॉइल में हमको अच्छे फर्टिलाइज़र्स देने चाहिए जिससे प्लांट्स की इम्यूनिटी बढ़ती है उनकी जो है स्ट्रेंथ आती है और जब इम्यूनिटी प्लांट की अच्छी होगी और वो पावरफुल होंगे तो कीट उन पर ज़्यादा अपना असर नहीं दिखा पाते हैं क्रॉप स्पेसिंग जब फार्मर्स अपने फील्ड में क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उनको अपने जो प्लांट्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर स्पेस रखना चाहिए जिससे एक प्लांट के जो पेस्ट हैं वो दूसरे प्लांट्स पर ना जा पाएँ क्रॉप रोटेशन क्रॉप रोटेशन मीन्स सम पेस्ट आर क्रॉप स्पेसिफिक एंड डू नॉट अटैक अदर क्रॉप्स अगर हम एक ही फील्ड में अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को लगाएंगे तो निश्चित ही हमें क्रॉप स्पेसिफिक पेस्ट जो हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा ट्रैप क्रॉप सम अदर क्रॉप्स में बी इंट्रोड्यूस अर्लियर देन द मेन क्रॉप्स जो हमारी मुख्य फसल होती है उससे पहले हमको एक अन्य फसल अपने फील्ड में ग्रो करनी चाहिए जिससे जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो हमारी मेन क्रॉप पर अट्रैक्ट ना होकर दूसरी जो अनवेल्यूएबल क्रॉप होती है उस पर चले जाते हैं तो इन सभी प्रकार के जो मेथड्स हैं वो कल्चरल मेथड्स के अंतर्गत आते हैं और इनसे हम अपने जो काफ़ी हद तक अपने फील्ड में पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं सेकेंड मेथड इज़ मैकेनिकल मेथड इसके अंतर्गत बहुत सारे मेथड्स uh, हैं जो कि जनरली फार्मर्स के द्वारा या हमारे द्वारा भी यूज किए जाते हैं इसमें सबसे पहले है हैंड पिकिंग हैंड पिकिंग इट इज़ द मोस्ट एनशियंट मेथड ये सबसे पुराना मेथड है इट इज़ यूज फॉर पिकिंग आउट लाइस फ्रॉम ह्यूमन हेयर इसके द्वारा हम ह्यूमन लाइस को आ, अपने बालों से निकालते हैं या अगर कभी हम घूमते हुए फील्ड में या अपनी बाड़ी में जाते हैं तो हमको अगर कैटरपिलर या लार्वा जो पत्तियों पर दिखाई देते हैं उनको हम इजीली वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं सेकेंड इज सेकिंग एंड जारिंग सेकिंग स्मॉल ट्रीज एंड सरप्स एंड कलेक्ट इंसेक्ट पेस्ट इन ओपन टब्स एंड कैरूसिनाइज वाटर इट मीन्स सेकिंग एंड जारिंग मेथड में हम लोग जो हैं वो जो छोटे प्लांट्स या झाड़ियाँ होती हैं उनको पास कर उनको जोर से हिलाते हैं हिलाने से क्या होता है जो उसके ऊपर जो इंसेक्ट पेस्ट बैठे हुए हैं वो नीचे गिरते हैं और नीचे हम प्लांट या सरफ़ के चारों ओर एक कैरोसिनाइज वाटर मिट्टी के तेल और पानी का मिश्रण जो है एक टब में भरकर रखते हैं और वो सारे इंसेक्ट पेस्ट धीरे से उसमें आकर गिर जाते हैं और मर जाते हैं तो ये भी एक अच्छा एक मेथड है पेस्ट कंट्रोल करने का स्वेटिंग व्हाट इज स्वेटिंग जनरली स्वेटिंग का प्रोसेस हम लोग अपने घरों में करते हैं जब भी कोई हाउस फ्लाई या मास्कीटो हमारे पास आता है तो हमारे आसपास जो भी चीज़ होती है तो हम उसे उठा के उसे मारने की कोशिश करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्वेटिंग सीविंग एंड बिनोइंग this is a very good method and such type of practices are uh, done by in ancient time by the uh, in our home sieving and winnowing बनोइंग uh, जो हमारे uh, grains होते थे उनको पहले हम छानते थे और फटकारते थे जिससे उसके अंदर अंतर्गत जो लार्वी या इंसेक्ट्स होते थे वो वहाँ से uh, निकल जाते थे या उड़ जाते थे नेक्स्ट इज ट्रैपिंग ट्रैपिंग मीन्स हाउ वी कैन ट्रैप द इंसेक्ट्स एंड दिस इज टू टाइप्स पिटफॉल ट्रैप एंड लाइट ट्रैप पिटफॉल ट्रैप मेथड जो है जनरली ऐसे इंसेक्ट पेस्ट के लिए यूज किया जाता है जो कि दिन में और रात में दोनों में एक्टिव होते हैं इसमें हम एक प्लास्टिक का जार लेते हैं और प्लास्टिक के जार को सॉइल को डिक करके उसके अंदर इस तरह से फिट करते हैं कि सॉइल सरफेस और जो जार का माउथ होता है वो एक ही लेवल पर आ जाते हैं जब कोई इंसेक्ट सरफ इसकी सरफेस पर आता है तो वो इसके अंदर अंतर, अंदर गिर जाता है जैसा कि इस पिक्चर में भी मैंने दिखाया है कि कैसे हम पिटफॉल ट्रैप को मिट्टी के अंदर सेट कर सकते हैं जार के अंतर्गत जार के अंदर कुछ केमिकल सॉल्यूशन रहते हैं जैसे ही इंसेक्ट इसमें गिरता है और वो आ, कैप्चर हो जाता है और मर जाता है दूसरा इसमें है लाइट ट्रैप लाइट ट्रैप ऐसे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है जो नॉक्टर्नल होते हैं हम एक लाइट सोर्स का यूज करते हैं जैसे हम लोग आजकल रेनी सीजन चल रहा है उसमें भी देखते हैं कि लाइट के ऊपर कई सारे इंसेक्ट्स जो हैं आते हैं और लाइट के ऊपर आकर वो इसको आसपास चारों तरफ कलेक्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं नीचे हम लाइट ट्रैप के नीचे एक केमिकल सॉल्यूशन रहता है जिसमें वो गिर जाते हैं उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं और उनका एनालिसिस भी किया जा सकता है नेक्स्ट इसमें बर्निंग समटाइम्स आफ्टर क्रॉप हार्वेस्टिंग जो प्लांट्स रेजिड्यू रह जाते हैं उसमें भी काफ़ी इंसेक्ट जो है ग्रो करते हैं अगर उसको हम प्लांट हार्वेस्टिंग के बाद जो प्लांट रेजिड्यू रह गई हैं उनको अगर हम बर्न कर दें तो इसमें जो ग्रो करने वाले इंसेक्ट होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं कॉम्बिंग एंड ब्रसिंग कॉम्बिंग एंड ब्रसिंग दिस इज कॉइड डेली बाई ईच वन अबस कॉम्बिंग के द्वारा हम जो अपने हेयर्स uh, में हेयर में जो uh, लाइस वगैरह होती हैं उसको निकालते हैं और जाड़ों में जब बुलन क्लॉथ का यूज किया जाता है तो उसको भी हम ब्रसिंग के द्वारा ब्रसिंग के द्वारा जो उसके अंतर्गत जो पेस्ट आ जाते हैं उनको वहाँ से निकाल सकते हैं सॉरी नेक्स्ट मेथड इज बायोलॉजिकल मेथड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड फॉर कंट्रोलिंग द इंसेक्ट पेस्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल इज एन इन्वायरमेंटली साउंड एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग और मिटिगेटिंग पेस्ट एंड पेस्ट इफेक्ट थ्रू द यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज़ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल कंट्रोल एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं करते हैं ये इन्वायमेंटली बहुत अधिक साउंड और सेफ होता है इसमें किसी नेचुरल एनिमी या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है इन सच टाइप ऑफ कंट्रोल वी डू नॉट रिले ऑन केमिकल और पेस्टिसाइड अर्थात इस प्रकार के कंट्रोल में हम लोग किसी भी प्रकार का कोई केमिकल या पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण को जो प्रभावी बनाने वाले कारक निम्नलिखित हैं इनमें प्रीडेटर्स आते हैं और प्रीडेटर्स जो कि जैसा हम जानते हैं कि ये दूसरे जीप को मारकर खा जाते हैं और जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स होते हैं उनमें जो प्रीडेटर्स को इंक्लूड किया गया है वे हैं लेसरिंग्स स्पाइडर फ्लाइज व्हीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाइज दूसरा इसके अंतर्गत आता है पैरासिटोइड्स दे ले एक्स इन द बॉडी ऑफ द होस्ट एवेंचुअली किलिंग द होस्ट पैरासिटोइड्स जो हैं पैरासाइट से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं ये अपने होस्ट के अंदर एग देते हैं और एग देने के बाद जब एग लिंग होती है तो अपने होस्ट को मार देते हैं तो ऐसे जो एजेंट हैं उनको हम पैरासिटोइड्स कहते हैं जबकि पैरासाइट जो है अपने होस्ट को कभी नहीं मारता है पैरासिटोइड कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंतर्गत वास ब्लैकोनाइट वास आदि आते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेजिम्स को भी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के रूप में उपयोग में लाया जाता है जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया के अंतर्गत कोकोबैसिलस और वेसीलस ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंसेक्ट कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं वायरसेस बैकुलोवायरस आर वेरी यूजफुल इन कंट्रोलिंग द इंसेक्ट पेस्ट फंजाई कुछ फंजाई की स्पेसीज जैसे एंटमोफेगा बेवेरिया पेसियाना आदि बहुत अधिक आजकल यूज किए जा रहे हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बायो कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल की जो मेरिट्स हैं जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड कॉज नो साइड इफेक्ट्स लेस कॉस्ट कंपेयर्ड टू अदर एग्रो केमिकल्स ईजिली अवेलेबल एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल्स एंड अदर पेस्टिसाइड्स बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण के कुछ लाभ इस प्रकार से हैं कि ये बहुत ज़्यादा इन्वामेंटली सेफ होते हैं केमिकल पेस्टिसाइड आदि का इसमें यूज नहीं किया जाता है हमारी सेहत के लिए भी बहुत यूजफुल होते हैं लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक या डीमेरिट जो है इससे आप 100 परसेंट पेस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ये एक बहुत ही स्लो चलने वाला एक प्रोसेस है और जिसके रिज़ल्ट हमें काफ़ी देर से प्राप्त होते हैं एग्रीकल्चरल मेथड्स में हम लोग जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं उनको उगाते हैं जिसका बेस्ट एग्जाम्पल बी टी कॉटन है जिसको हम बेसिलस थे कॉटन भी कहते हैं और इस तरह के जो एग्रीकल्चरल मेथड्स हैं उनको हम बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं कुछ मेथड्स हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्रॉप रोटेशन ट्रैप क्रॉप आदि को भी इसमें यूज किया जा सकता है जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है केमिकल मेथड और यह एक सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला मेथड है इसमें हम केमिकल्स या जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनका बहुत अधिक यूज करते हैं और कई प्रकार के केमिकल्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे रूड टू किल द रेड इंसेक्टिसाइड टू किल द इंसेक्ट हर्बिसाइड टू किल द इंसेक्ट पेस्ट लाइक फंजीसाइट एल जीसाइट बी मोलस्कीसाइड्स ओविसाइड्स डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट रिपेलेंट्स इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड मीटिसाइड्स तो इस प्रकार के कई तरह के केमिकल मार्केट में या मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको फार्मर्स ले जाते हैं और अपने फील्ड में उनको यूज करते हैं केमिकल्स या इंसेक्टिसाइड्स को हम उनके एक्शन के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले स्टमक पॉइजन है स्टमक पॉइजन जो है वो ऐसे इंसेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है जिनके चुइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं दूसरा जो है कांटेक्ट पॉइजन है कांटेक्ट पॉइजन जो है वो स्प्रे और डस्ट आदि के द्वारा अप्लाई किया जाता है जो कि ऐसे इंसेक्ट के लिए यूज किया जाता है जो कि सरफेस पर लीफ सरफेस पर डायरेक्टली या सरफेस पर डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं सिस्टमिक पॉइजन यूज अगेंस्ट इंसेक्ट्स हैविंग पियर्सिंग माउथ पार्ट्स इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं वो सेल सेब को शक करते हैं थ्रू इट्स प्रोसेस तो इन इंसेक्ट्स को या पेस्ट को किल करने के लिए हम सिस्टमिक पॉइजन का यूज करते हैं फ्यूमिगेंट्स फ्यूमिगेंट्स कुछ ऐसी पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जैसे हाइड्रोजन साइनाइड कार्बन डाई सल्फाइड सल्फर ऑक्साइड जो कि धुआं करते हैं स्मोक क्रिएट करते हैं और इनको मेनली हम जो हमारे स्टोर्ड ग्रेन होते हैं उनको उनमें लगने स्टोर्ड ग्रेन में लगने वाले जो हानिकारक पेस्ट होते हैं उनसे बचाने के लिए फ्यूमिकेंट्स का यूज किया जाता है कुछ पेस्टिसाइड्स जो हैं ओरिजिनेटेड होते हैं इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे निकोटीन की जो कि निकोटियाना टेबेकम द्वारा प्राप्त होता है दूसरा है पैरिथ्रम जो कि क्राइसेंथिम के द्वारा प्राप्त होता है तीसरा है रोटिनॉन जो कि डेरिस प्लांट की रूट से प्राप्त होता है और चौथा है इसमें नीम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीम बहुत ही उपयोगी एक इंसेक्टिसाइड है इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती हैं और इससे नीम के प्लांट से या पौधे से हमें एक प्रकार का एक केमिकल प्राप्त होता है जिसे हम एच आर रैक्टिन कहते हैं जिसका कि उपयोग विभिन्न प्रकार के जो आ, आ, केमिकल्स में आजकल यूज किया जा रहा है इसके अतिरिक्त कुछ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स भी हैं मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको फार्मर्स यू यूज करते हैं इनमें सबसे जो मेन है ऑर्गेनो क्लोरिन पेस्टिसाइड हैं जिसमें डी डी टी बेंजीन हेक्जाक्लोराइड क्लोरोडिन एल्ड्रीन एंडोसल्फान आदि ऑर्गेनो कैमिक पेस्टिसाइड को इंक्लूड किया गया है दूसरे प्रकार के जो पेस्टिसाइड हैं वो ऑर्गेनो हैं जैसे पैराथियोन मेलाथियोन फोरेट क्लोरोफाइरिफॉस तीसरे प्रकार के इसमें जो पेस्टिसाइड हैं वो कार्बामेट्स हैं जैसे कार्बोराइल कार्बोफ्यूरान आदि अगले प्रकार का जो पेस्टिसाइड है इसमें रोडेंटिसाइड्स आते हैं जो कि जिंक फॉस्फाइड आदि होते हैं ये खेतों में लगने पाए जाने वाले चूहे जो कि हमारी फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं स्क्वरल ग्लरी आदि को मारने के काम आते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड मेरिट्स अगर हम बात करें ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड से होने वाले लाभ की तो इससे हमको बहुत जल्दी रिजल्ट प्राप्त होता है लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं इनका बटन नहीं होता है ये इन्वायरमेंट में काफ़ी लंबे समय तक प्रशिष्ट करते हैं और हमारे फूड चेन के द्वारा और बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस के द्वारा हमारे शरीर तक या टॉप कंज्यूमर के शरीर तक पहुंच जाते हैं और उनको काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाते हैं ये इन्वायरमेंट में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं इनका जो परसिस्टेंसी है वो काफ़ी अधिक होती है तो यह और केमिकल पेस्टिसाइड का जब यूज किया जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान होता है इसमें कि इंसेक्ट जो हैं या पेस्ट हैं वो अपने अंदर एक विशेष प्रकार का रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और जब उनके अंतर्गत रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो फिर उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है फिर उनको किल करने के लिए हमें पेस्टिसाइड या केमिकल्स की रोश को बढ़ाना होता है अदर प्रिवेंटिव मेजर की हम बात करें तो जो हमारे गार्डन्स में या जो हमारे फील्ड्स हैं उनके अंदर जो क्रैक्स हैं होल्स हैं उनको हमें सील कर देना चाहिए अगर पौधों की ब्रांच एक दूसरे से टच कर रही हैं तो उनको ट्रिमिंग कर देना चाहिए जिससे वो एक दूसरे को टच ना कर सकें जो हमारे ओपन स्पेसेस हैं उन्हें हमें बंद कर देना चाहिए तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनका हम पेस्ट कंट्रोल में यूज कर सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ रेफरेंसेस भी दिए हैं इन रेफरेंसेस की सहायता से आप और इस टॉपिक पर स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट का नाम दिया है ई गन कोस डॉट ए सी डॉट इन अगर उस पर वेबसाइट पर आप जाकर पेस्ट कंट्रोल को सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मटेरियल्स यहाँ से प्राप्त होंगे तो ये कुछ बातें थी जनरल टॉक था अबाउट द पेस्ट एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट निश्चित ही आप इससे लाभान्वित होंगे और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो आप फर्दर uh, आप मेरे से डिस्कस uh, कर सकते हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय टॉक थैंक यू